नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानी YouTube चैनल में। आप लोगों के समक्ष में एक कहानी लेकर के आए हैं। कहानी का टाइटल है चिड़िया का घोंसला और उसकी मेहनत। दोस्तों, कहानी एक ऐसी विद्या है जो जीवन में परिस्थितियों को अपने में लेकर उलझती हुई समझ को सुलझा देती है। कहानी हमारे व्यक्ति तत्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है, जिनसे हमें अपने कर्मों का बोध होता है। माना कि कहानियां काल्पनिक होती हैं, पर कल्पना परिस्थिति के द्वारा ही निर्मित होती है। तो आइए, एक ज्ञानवर्धक कहानी हम आप लोगों के सामने कहने के लिए जा रहे हैं, इसे अंत तक जरूर सुने। एक बार किसी जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी और सर्दी का समय आने वाला भी था, तो चिड़िया ने सोचा कि मैं जिस घोंसले में रह रही हूं वो घोंसला काफी पुराना हो चुका है, क्यों ना एक नया घोंसला तैयार कर लिया जाए ताकि आने वाली ठंड के दिनों में कोई दिक्कत ना हो। अगली सुबह वो उठी और पास के एक खेत से चुन चुन कर तिनके लाने लगी। सुबह से शाम तक वो इसी काम में लगी रही और अंततः एक शानदार घोंसला तैयार कर लिया। पर पुराने घोंसले से अत्यधिक लगाव होने के कारण उसने सोचा, चलो आज एक आखिरी रात इसी में सो लेते हैं और कल से नए घोंसले में अपना आसियाना बनाएंगे। रात में चिंकी चिड़िया वहीं सो गई। अगली सुबह उठते ही वो अपने नए घोंसले की तरफ उड़ी, पर जैसे ही वो वहां पहुंची उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि किसी और चिड़िया ने उसका घोंसला तहस नहस कर दिया था। चिंकी चिड़िया की आंखें भर आईं और वो मायूस हो गई। आखिर उसने बड़ी मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाया था और किसी ने रातों रात उसे तबाह कर दिया था। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने गहरी सांस ली, हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत में जाकर तिनके चुनने लगी। उस दिन की तरह आज भी उसने सुबह से शाम तक मेहनत की, एक बार फिर से एक नया और बेहतर घोंसला तैयार कर लिया। दोस्तों, जब हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो हम क्या करते हैं? किसी से शिकायत करते हैं, दुनिया से इसका रोना रोते हैं, लोगों को कोसते हैं और अपनी निराशा निकालने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। पर हम एक चीज नहीं करते, हम फौरन उस बिगड़े हुए काम को दोबारा नहीं करने का प्रयास करते। दोस्तों, और चिड़िया की ये छोटी सी कहानी हमें ठीक यही करने की सीख देती है कि घोंसला उजड़ जाने के बाद वो चाहती तो अपनी सारी ऊर्जा औरों से लड़ने में, शिकायत करने में और बदला लेने में लगा देती, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसी ऊर्जा से फिर से एक नया घोंसला तैयार कर लिया। दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो तो हम न्याय पाने का प्रयास जरूर करें, पर साथ ही साथ ध्यान रहे कहीं हम अपनी सारी ऊर्जा निराशा, गुस्से और शिकायत में ही ना गवा दें। ऐसा करना हमें हमारी मूल हानि से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई बहुत बड़ी बात ना हुई हो तो उसे अनदेखा करते हुए अपने काम में पुनः लग जाएं, क्योंकि बड़े काम करने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है। इसे बेकार की चीजों में नहीं गंवाना चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा।